मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फिर से निकल चुके हैं आज अपनी संडे राइड पर, वो भी काफ़ी टाइम बाद। फिर और कहाँ जा रहे हैं उसके लिए आप लोगों को वीडियो को देखते रहना पड़ेगा एंड तक। जहाँ भी जा रहे हैं बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, और पहले भी गए हैं लेकिन बाइक पर पहली बार जाएंगे, और सुबह सुबह राइड करने का अलग ही आनंद आ रहा है। सुबह देख सकते हैं आप, तो बज रहे हैं अभी 7। इस पर मत जाइए, ये थोड़ी सी खराब, इसका टाइमिंग जो है ख़राब है। तो प्रॉपरली तैयार हो चुके हैं, थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है बट वो भी अच्छा लग रहा है। तो अभी हम मिलने वाले एक दोस्त को मयूर विहार में, और फिर वहाँ से अपनी ये तिकड़म, जो कि हम 3 बंदे हो जाएंगे, अभी 2 हैं, विवेक आ रहा है पीछे, फॉलो कर रहा है मुझे। तो फिर हम वहाँ से जाएंगे आगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ और इन्जॉय करिए हमारे साथ, तो देखते रहिए वीडियो गाइस। और काफ़ी टाइम बाद हम सुबह मॉर्निंग राइड पर जा रहे हैं। हाँ, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के बाद, यस। तो विवेक मुझे बताया जा रहा है बट या लेकिन अच्छा लग रहा है क्योंकि अब विंटर्स आ गए हैं, तो अब ऐसा सीन नहीं है कि सुबह 5:30 बजे उठना है, क्योंकि यू नो समर्स में क्या होता है, गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो हम ट्राई करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग निकल जाएँ, बट विंटर्स में ऐसा नहीं है। और क्या ही मज़ा आ रहा है बाइक चलाने पर, वाह 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 वाह। मैं आपको कोई लोकेशन अच्छी पता है दिल्ली NCR में, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। तो क्योंकि क्या होता है ना, एक ही जगह पे बार बार जाना भी बोरिंग हो जाता है, तो एक वो भी रीज़न है कि हम मॉर्निंग राइड पे थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं यार, क्यों वहाँ पर जाना बार बार, यू नो। जैसे लेपर्ड ट्रेल हो गया, हम वहाँ 2-3 बार जा चुके हैं, फिर हम पानीकोट भी जा चुके हैं, फिर यू नो फिर मन करता है कि ऐसी जगह जाऊँ जाऊँ थोड़ा सा यू नो बाइक का भी राइड हो। अब जैसे किस साइड जा रहे हैं, हम जा रहे हैं नोएडा की साइड, और अभी हम मिलने वाले हैं मयूर विहार Phase 1 में एक दोस्त को, जिसके पास भी बिल्कुल सेम बाइक है, हिमालयन, रॉयल इनफील्ड हिमालयन, बट डिफरेंट कलर, विच आई ऑल्सो प्रेफर्ड, आई ऑल्सो लाइक दैट कलर, बट मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस तो हमेशा यही कलर थी, रॉक रेड। हाँ ये तो है सबसे अच्छा कलर था, भला अगर आप 2020 की बात करें तो ये इनका सबसे टॉप वेरियंट इन टर्म्स ऑफ यू नो कलर के मामले, कलर में। ये है अक्षरधाम, तो अभी हम पहुंच चुके हैं अक्षरधाम बस, और आई थिंक 5 मिनट में हम पहुंच मिलने वाले अपने एक दोस्त को, फिर निकल जाएंगे हम सीधा अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और डेस्टिनेशन तक जाते जाते हम लेंगे अपने सफ़र का मज़ा, क्योंकि मंजिल से ज़्यादा जो मज़ा है वो सफ़र का है, क्योंकि सफ़र आपको सिखाती है और मंजिल बताती है कि आपने सफ़र को इन्जॉय किया। तो भाई जिस भाई से मिलना था उससे मिल लिए, अब निकल रहे हैं यहाँ से। भाई के पास बिल्कुल रॉयल इनफील्ड हिमालयन ना, भाई ने लगा दिया टॉप बॉक्स, जो कि हम भी सोच रहे हैं, बट फिर कभी कभार लगता है कि यार हमारा तो वैसे एक काम, एक बैग से ही काम हो जाता है, हम लोग इतने कपड़े ले जाते भी नहीं भाई, अपन तो भाई 2 लोवर्स, ऊपर शर्ट और 1 जैकेट बस, स्पीति हमने इतने में निकाल लिया था, और वो भी जरूरत नहीं पड़ी थी हमें इतनी। भाई घूमने गए हो, कपड़े चेंज सोना करने गए हो? हाँ, और वैसे भी आप राइड पे जब जाते हो सारा टाइम आपका राइड पे निकलता है, तो फिर यू नो कुछ टाइम मिलता है, कुछ घंटे ही होते हैं थोड़ा घूमने घूमने के लिए। तो यहाँ से भराते हैं पेट्रोल, तो भाई पेट्रोल के प्राइस भी था एकदम रॉकेट की तरह बढ़े जा रहे हैं भाई, पेट्रोल का प्राइस कम कराओ यार। पेट्रोल का प्राइस है कितना है बताता हूँ, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। कितना हो गया पेट्रोल का प्राइस? पेट्रोल का प्राइस कितना है? प्राइस कितना है प्राइस? भाई 95 हो गया है।
तो गाइस पेट्रोल भी भरा दिया है मैंने, तो भराया 500 रुपये का क्योंकि इसमें ऑलरेडी था, अभी फुल हो चुका है ऑलमोस्ट। और विवेक ने कराया अपना फुल टैंक। गाइस अभी हम जा रहे हैं नोएडा एक्सप्रेसवे पे, तो ये थी आज की हमारी डेस्टिनेशन। नोएडा एक्सप्रेसवे से हम जाएंगे आगरा एक्सप्रेसवे से, और आगरा एक्सप्रेसवे के वहाँ से यू टर्न लेके आ जाएंगे। भाई वो तो बहुत ही आगे निकल चुके हैं, मैं रह गया हूँ पीछे क्योंकि मैं चला रहा हूँ आराम आराम से, ज़्यादा स्पीड से नहीं चला रहा, देख के चला रहा हूँ। मतलब चलिए पकड़ते हैं उनको। भाई वो तो हो चुका है छू बंतर, कोई बात नहीं रुके जाएंगे मेरे लिए, मैं नहीं भगाऊंगा, वो रुकेंगे मेरे लिए। सीधा सीधा रोड है ये, और बस थ्रोटल को चलाते रहो, और बस यहाँ पर होता है अगर आपका क्रूज कंट्रोल हो बस एक लिमिट में लगा दो और चलाते रहो, आनंद ही आनंद। अरे लोग चले कहाँ गए भाई, कहाँ चले गए मुझे छोड़ के, भाई कहाँ चले गए लोग। Where are they? मुझे शर्म तो कर लो भाई, मुझे छोड़ के चले गए ये। ये लोग तो बिल्कुल हवा की तरह छू मंतर हो चुके हैं। पेट्रोल सस्ता क्या हो गया कि ये लोग तो फर्राटे मार रहे हैं भाई, फर्राटे। बट मजा आ रहा है इस रोड पे बाइक चलाने पे। तो ये जो बाइक है ना, ये ऐसी ही रोडों के लिए बनी है, खुले रोडों के लिए आराम से। सो गाइस हमने ले लिया है अपना आगरा एक्सप्रेस वे, और बाकी दोनों दोस्त मुझे छोड़ के आगे भाग चुके फिर से। तो और अभी हम तीनों कंफ्यूज है कि क्या करें, यहाँ से मथुरा आगरा निकल लें या फिर आगे से यू टर्न लेके घर। तो ये सब देखते हैं क्या होता है, बट अभी के लिए अभी हम जा रहे हैं आगरा यू, हाँ आगरा टोल तक जा रहे हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। पर जो भी होगा, जो भी होगा आपको दिख जाएगा। ये दोनों मुझे दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रहे, बट कोई नहीं ब्रो, मैं भी आ रहा भाई, आ रहा हूँ। चलो कहाँ रह गया, 100 पे भगा रहे हो, कहाँ रह गया, मैं तो 40 पे चलाऊंगा भाई, लेकिन 130 पे भगा रहा, तब कह रहा हूँ कि कहाँ भगा रहे हो भाई। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट आ गए, सो फाइनली मैं इन दोनों को पकड़ने वाला हूँ। ये दोनों 130 पे थे, मैं 150 की स्पीड से भागता हुआ आ रहा हूँ। आ गया मैं, आ गया ब्रो, आ गया। ओहो कहाँ चलना, ऊपर नीचे, सो गाइस मैंने फाइनली इन दोनों को पीछा कर दिया है। मैं इतनी स्पीड से है ना, इतनी स्पीड से भाई साहब, ये दोनों भाई थकेले। भाई कहाँ तुम, यार तुम्हारे साथ यही दिक्कत है यार, तुम इतना धीमे चलाते हो ना, मुझे रुकना पड़ता है बीच में। हाँ चलो रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट भूख लगी भाई, भूख लगी है। ओ भाई साहब ये दोनों निकल पड़े अपने, इन दोनों को मैंने चांस दिया कि तुम दोनों भगाओ, मैं तो बहुत भगा चुका, अब हम लीडरशिप क्वालिटी अपना रहे हैं। अच्छा लीडर वही होता है जो सामने वाले को अपॉर्चुनिटी दे। तो अभी हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट पे बैठने के लिए, और कुछ खाते हैं क्योंकि सुबह से भूख लगी है, कुछ नहीं खाया हमने, तो बस अभी यही है। तो यहाँ पर स्टारबक्स भी है, ढाबा है, बिकानो है, यहाँ देखिए अब राइडर्स।
ये देखिए सामने आप बाइक्स, लाइन से खड़ी हैं। ये है प्रशांत, ये सारी आपकी हैं और ये है आपकी हुसैन की और बाकी सब तो आपकी। ये कौन सी बाइक है यार? ड्यूक। तो मैं भी लगाया था, भाई ने लगा लिया तो मैं भी लगा ही देता हूँ। Hey guys, good morning. Good morning guys. So, अभी हम पहुंचे हैं यमुना एक्सप्रेस वे पर। ये जो ताज एक्सप्रेस है और यहाँ पर कोई जो बीच में ढाबे यहाँ पे बना रखे हैं जहाँ पर स्टे, हाँ, जो आपका रेस्ट जो एक एरिया होता है वहाँ पर ही है। तो अभी यहाँ पहुँचे हम और सुबह से निकल गए थे, सुबह हम 7 बजे तो बंद आ गया अपना, अभी एक वॉशरूम गया तो तब तक यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना। और यहाँ पर आप देखिए बाइक से पहले क्या मस्त मस्त बाइक खड़ी है, यहाँ पर इंजन देखिए, ये देखिए 1250 सामने क्या मस्त लग रही है। तो लोग फोटो शूट करते हैं, ये तो अच्छी लग रही है, ये हार्ले डेविडसन अबे ये ठीक है, बस भाई दिल तो उस पर है BMW 1250 पे। ये है आपकी निंजा 1000R। स्पोर्ट्स बाइक का तो इतना वो नहीं है मुझे क्रेज मतलब, लेकिन जो मज़ा एडवेंचर बाइक में ना भाई, सब चीज़ पूरे कर देती हो, स्पोर्ट्स एडवेंचर क्या बोलता है, ये तो है भाई, भाई जबरदस्त है भाई। हाँ कितनी हैवी लग रही है भाई, ये बड़ा चौड़ी देखे, कितनी चौड़ी लग रही है आगे से, तो अभी हम सब थोड़ा सा कंफ्यूजन में हैं कि यहाँ से आगे जाएं मथुरा या फिर आगरा जाने की सोच रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या होता तो पता लग जाएगा ब्लॉग में, अगर जाएंगे तो भी पता लग जाएगा, नहीं जाएंगे तो भी पता लग जाएगा। और यहाँ तक राइड करने में बहुत मजा आया, बहुत ही ज़्यादा मजा आया, रोड काफ़ी अच्छी थी, रोड काफ़ी अच्छी थी, तो यस दोबारा चक्कर काटेंगे तो पक्का जाएंगे। तो आज का देखते हैं क्या होता है, पर टिल देन अभी देखते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं अंदर, बहुत भूख लगी है सुबह ही निकल के थे, तो सी यू पर। हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए, और या प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिए तो थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है, बाकी तो आपके ऊपर है, हम लाते रहेंगे आपके लिए, और तो मिलते हैं आपको अंदर ब्रेकफास्ट टाइम पर, ठीक है। तो गाइस ब्रेकफास्ट आ चुका हमारा, लास्ट टाइम यार वीडियो में डाला तो अब भाई दोबारा साथ हमारी राइड पे गया, राइड पे जा रहा है मतलब, अभी हम सोच रहे हैं क्या करना है आगे का, जो कि मैंने आपको बताया था। और ब्रेकफास्ट में हमने किया है ये है मिक्स पकौड़े और मेरी तो यूजुअल चाय है जो मुझे बहुत पसंद है, भाई कभी बार पीता तो मेरे साथ पी रहा है, और ये तो फिर आपको पता ही है। तो ये है परांठा पकोड़े, अच्छा है, और इसके बाद हम देखते हैं, और ये हैं हम गाइस चलो आपको मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। ये तो खा भी गया, कैसा हो रहा है? कुछ खास नहीं है। ओहो चलो गाइस मिलते हैं आपको फिर ब्रेकफास्ट के बाद। सो गाइस काफ़ी देर बैठे हैं यहाँ पर, आई थिंक कितना टाइम हो रहा है, 11 बजे तो 11:06 हो चुका है, काफ़ी देर बैठे हैं, काफ़ी इन्जॉय किए, काफ़ी ट्रिप्स की बातें की, तो एक ट्रिप प्लान हो रही है, देखते हैं कर पाते नहीं कर पाते क्योंकि हम हमेशा प्लान ही करते हैं एग्जीक्यूट अगर स्टार्ट हो जाएगी तो कर भी लेंगे। हाँ तो बस यही था, अब यहाँ से जा रहे हैं घर, पहले सोच रहे थे आगरा या मथुरा जाने का, बट अब मुश्किल लग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, क्योंकि आज संडे का दिन है ना और कल फिर ऑफिस जाना है, तो फिर सोच रहे हैं कि अब किसी नेक्स्ट डे कभी और संडे के लिए। हाँ तो कुछ ऐसे ही करते हैं, तो भाई का टॉप बॉक्स है इसके अंदर, मैंने अपना अरे नियम निकाल लिया, तब तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो थैंक यू भाई को, इसको लगा देते हैं यहाँ पर,
और निकलते हैं घर। तो आज की राइड रही हमारी काफ़ी अच्छी, काफ़ी मज़ा आया हमें। क्यों ब्रो? बहुत मज़ा आया। मज़ा आया भाई जैन? बहुत मज़ा आया भाई। हाँ तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा है नोएडा का इस साइड, मतलब कभी राइड पे आना आना हो तो आ सकते हैं, इस साइड भी काफ़ी अच्छा है। तो बस करते हैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म और मिलते हैं आपको किसी अच्छी से वीडियो में। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय। मैं तो यू कांट सी मी।